आज सम्मेलन में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का हुआ आगमन। यह खबर यूपी के देवरिया जिले से, जहां बैतालपुर में किसान कमेटी द्वारा आयोजित किसान महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार उर्फ लल्लू थे। वहीं किसानों ने जहां बैलगाड़ी पर सवार होकर केंद्र सरकार द्वारा लाया गया तीनों बिलों को माफ करने के लिए प्रदर्शन किया, वहीं किसान महासम्मेलन को संबोधित करते हुए किसान के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार में किसानों की कहीं भी धान व गेहूँ की खरीदारी नहीं हो रही है। किसानों को अपनी खेती किसानी के कार्य के लिए मुफ्त में सिंचाई नहीं उपलब्ध कराई गई। बुंदेलखंड में किसानों को पीने व सिंचाई के लिए पानी से वंचित किया गया। पश्चिम से मध्य के किसान आत्महत्या करने के लिए विवश हैं। किसान जाए तो जाए कहाँ, एक बड़ी समस्या से किसान जूझ रहा है। इस किसान महासम्मेलन में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, पूर्व अध्यक्ष सूजस मणि समेत सभी पदाधिकारी समेत भारी संख्या में किसान मौजूद रहे। देखिए देवरिया से रवि प्रकाश बादल की रिपोर्ट। के घर से रसोई की गैस गायब, अब फिर चूल्हा युग आएगा, फूकंतु युग, फू 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 फू। आय का स्रोत नहीं, कहीं से कोई नौकरी नहीं, बेरोजगारी चरम सीमा पर। चार वर्षों में जिस सरकार ने 56 लाख रोजगार देने का वादा किया था, 56 लाख के सापेक्ष 4 लाख रोजगार दे पाई। मैंने विधानसभा में सवाल किया इस सरकार से, बेरोजगारी का दर ने बताया 2.7 से 5.7 तक पहुंच गया है बेरोजगारी दर उत्तर प्रदेश में। यूपीएससी की परीक्षा लीक होती है, पिछले समयों में या पिछली सरकारों पर आरोप रहा कि पेपर आउट होकर एसडीएम और सीओ बनाए जाते हैं। जरा बता दीजिए योगी मुख्यमंत्री जी, जिस प्रदेश में 50 से 60 लाख रुपए में एसडीएम और सीओ बनाए जाते हो, उस प्रदेश की कानून व्यवस्था का क्या आलम होगा, उस प्रदेश की क्या हालत और स्थिति होगी। यूपीएसएससी के अभ्यर्थी 24 भर्तियों में 22 लटकी हुई है। प्राइमरी स्कूल की भर्ती के जवान जो 34,000 आंदोलनरत है, सिर्फ इसलिए कि 42,000 की भर्ती निकली 44,000 की, 49,000 की, जिसमें 4 जवानों को सेंडिंग